मुझे लग रहा है। मुझे ये सही नहीं लग रहा है। सही है, गलत सोचने का टाइम नहीं है, बस हमें उसे ढूंढना होगा। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। मैं सच में डर रही हूं। कौन है रे तू? तेरा काल क्या है? करिए तू? चुप हो जा। क्यों करिए? कोई तुझे रोकने वाला नहीं है। मतलब तू हवा में उड़ेगा? स्टूपिड मेरी बात। क्या करिए? नॉनसेंस। तुम जैसे भाई तुमने इसको छोड़ क्यों दिया? पर भगा भगा कर मारना चाहिए। भाई तुमने फोन तोड़ दिया, वरना उसके नंबर से उसको ढूंढ लेते। उसकी बातों को भूलने के लिए पी रहा हूँ और तू बार बार याद दिला रहा है। कैसे बोली वो तुमको? आखिर तुमसे ऐसे बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। जाने दे बे। बस क्या प्रॉब्लम है? बस बिना कुछ किए ही चिल्लाना लड़कियों की प्रॉब्लम है। मेरी एक लवर है बस, कसम से बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती के सामने पानी कम चाय है सब। लेकिन अगर एक बार भड़क जाती है ना, तो मेरी और मेरी फैमिली की खैर नहीं। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता मुझे। मेरा दिमाग पहले से खराब है, तू और खराब कर रहा है। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था और आप मुझे तुझे मेरी हेल्प करने के लिए किसने कहा? उसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, देख लेना। ए, उसने तुझे धक्का दिया और तुमने उसे गाली दी, बात बराबर हो गई ना? अब ये सब जाने दे। ऐसे कैसे जाने दूं? कैसे जाने दूं? हाँ, क्या कर लेगा वो? अगर मेरी एक भी पेंटिंग बिक जाती तो आश्रम में एक बच्चे को महीने भर का खाना मिल जाता, और उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। गलत कह रही हूँ क्या? और तू कह रही है उसे छोड़ दे? हाँ? ए, तो इसमें कर भी क्या सकती है? वो तो बस तू देख दीजा। उधर देख। टाइम क्या हुआ है? तेरी तो दू क्या है? अरे रुक जाओ भाई, अगर इसको मारा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जरूर होता है, किसी को अच्छा लगता है तो रखता है, कोई लव में फेल हो जाता है तो रखता है। यहाँ पे दाढ़ी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। चलिए इनसे पूछते हैं इन्होंने दाढ़ी क्यों रखी है। आपके दाढ़ी रखने के पीछे कौन सी लेडी है? टीचर। टीचर है? आप कितने सालों से लव कर रहे हो? 10 सालों से। लड़कियों को दाढ़ी अच्छी लगती है ना, इसलिए रखी है मैंने। अच्छा, आपके दाढ़ी रखने के पीछे किसका हाथ है? मेरी दाढ़ी के पीछे तो कोई नहीं है, इसकी दाढ़ी के पीछे शायद कोई तो है। सर कौन है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये लव वव समझ में नहीं आता। ए, स्कूल में तुझे एक लड़की अच्छी लगती थी ना, इनको बताना। इन्होंने तो आपके बारे में बता दिया, अब आप खुद ही बताइए सर। वो बचपन में
ज्योति नाम की लड़की अच्छी लगती थी। ज्योति नाम की लड़की अच्छी लगती थी, वो कहाँ रहती है सर? मैं और ज्योति साथ में ही पढ़ते थे, गाँव कोड़ीकोलम, मदुरई के पास में ही है। मदुरई के पास कोड़ीकोलम, अभी वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ पता है उसके बारे में? कुछ ज्यादा नहीं मालूम, ज्योति से मिलकर 7-8 साल हो गए। ज्योति को मैं बहुत अच्छा लगता था, पहले मुझे ज्योति अच्छी नहीं लगती थी, फिर धीरे धीरे उसके दिल को जानने लगा और मैं भी उससे प्यार कर बैठा। फिर हालात कुछ ऐसे बने कि हम लोग अलग हो गए, उसके बाद से उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। अब ज्योति कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रही है, मुझे कोई खबर नहीं। सर अगर ज्योति आपको ढूंढते हुए आए तो? अब तक नहीं आई तो अब क्या आएगी, आना होता तो पहले आ जाती।